हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द टेक क्रशर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग अपनी किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के ऐप्स में फिंगरप्रिंट ऐप लॉक कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ऐप लॉक फिंगरप्रिंट। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसके लिए आप लोगों को क्या करना है। पहले आप लोगों को चले जाना है अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में, फिर सर्च बार में चले जाना है, फिर आप लोगों को कुछ इस तरीके से सर्च करना है ऐप लॉक फिंगरप्रिंट। ये आप लोगों को सर्च कर लेना है। आपको 7th या फिर 8th नंबर पे ये वाली एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये आप लोगों को इंस्टॉल कर लेनी है। बहुत सारी एप्लीकेशन हैं पर ये वाली सबसे मेरे को बेस्ट लगी, क्योंकि इसमें 100% वायरस फ्री है ये, और बाकी सब एप्लीकेशन के डेवलपर्स वायरस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो इसलिए आप लोगों को यही वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। तो चलिए इंस्टॉल के बाद का प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन मैं उस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये आपको एक बैकअप ऑप्शन सेलेक्ट करने को बोल रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी ऐप में फिंगरप्रिंट ऐप लॉक लगा रखा है और मैं अपना फिंगरप्रिंट कितने भी बार डाल रहा हूँ तो ओपन नहीं हो पा रहा है, तो मैं इन दोनों चीज़ों से भी अपना ऐप ओपन कर सकता हूँ, या तो एक पिन से या तो एक पैटर्न से। तो मैं एक पैटर्न सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने अपना पैटर्न डाल लिया है। तो उसके बाद आपसे ये एक रिकवरी ईमेल एड्रेस डालने को बोलेगा। आपको कोई भी एक ईमेल एड्रेस डाल देना है। उसके बाद से ये एक रिकवरी क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में पूछेगा। इसका मतलब यही है कि अगर मैं अपना लॉक खोल नहीं पा रहा हूँ फिंगरप्रिंट और पैटर्न दोनों से, तो ये मैं वो एक क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ योर नेम। अगर मैंने सही आंसर दे दिया सूर्यांश, तो वो लॉक ओपन हो जाएगा और वो फिंगरप्रिंट लॉक डिसेबल हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे सेव कर ले रहा हूँ। तो उसके बाद ये आपसे कुछ परमिशंस के बारे में पूछेगा, आपको अलाउ कर देना है। तो मैं देखिए अलाउ कर देता हूँ। देखिए मैंने अलाउ कर लिया है। तो देखिए हमारा ऐप लॉक सक्सेसफुली ओपन हो गया है, लेकिन पूरा प्रोसेस यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, अभी थोड़ी चीज़ें बाकी है। उसके बाद से आपको ये 3 लाइंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आ गया हूँ और फिंगरप्रिंट अनलॉक को इनेबल कर देना है। देखिए मैंने इनेबल कर दिया। तो चलिए मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि ये कैसे ओपन होगा। टैप वंस एंड होल्ड फिंगर फॉर 1 वाइब्रेशन और 1 सेकेंड ऑन फिंगरप्रिंट सेंसर स्कैनर टू अनलॉक। तो पहले आपको एक बार उस पर टैप करना है, उसके बाद से आपको उसी पे होल्ड करके रखना है फिंगर, जब तक एक वाइब्रेशन ना हो एक बार, उसके बाद से आपको हटा लेना है। चलिए मैं सी हाउ करके दिखा देता हूँ आपको। एक बार इस पे टैप करना है, फिर हटा देना है एक, जब तक। इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे प्रिवेंट अनइंस्टॉल, इस ऐप को कोई अनइंस्टॉल नहीं कर पाएगा, और जो गलत फिंगरप्रिंट डालेगा उसे नहीं डालने आएगा, तो वो उसकी सेल्फी क्लिक कर लेगा। और इस ऐप का आप आइकन बदल सकते हैं, फेक कवर कर सकते हैं, सॉरी ये वाला ऑप्शन है आइकन बदलने का, और इसे डिसेबल कर सकते हैं और हाइड पैटर्न ये। तो चलिए हम इसे बैक कर लेते हैं। अब मैं आपको एक ऐप में वो ऐप लॉक लगा के दिखा देता हूँ। पहले मैं व्हाट्सएप में कर लेता हूँ। मैंने व्हाट्सएप को लॉक कर लिया है। तो चलिए मैं आपको व्हाट्सएप ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए इसमें एक फिंगरप्रिंट का वो बन चुका है। देखिए मैंने उसको लगातार प्रेस करके रखा था तो वो नहीं ओपन हो पाया। मैं एक बार प्रेस करके, फिर जब तक वाइब्रेशन हो एक बार, मैं हटा दूँगा तो हो जाएगा। देखिए ओपन हो चुका। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।